मैं खुद का बेन गोपाल रेड्डी जेरात का रहने वाला हूँ। अब मुझे तीनों बेटियाँ लड़कियाँ हैं। स्टार्टिंग में लड़के हुए जब मेरे को भी बहुत लोग भी इंसल्ट किए सो बात करे सो थे, बच्चों को देखे बहुत ये करे सो थे, लेकिन आज वही बच्चे एजुकेशन में या सब तीनों को तीन एक टॉप पोस्ट पे आ गए, टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हुए। मैं एक ही बोलता हूँ, अगर लड़के हो रन दो, लड़के रन दो, कभी भी कौन भी रन दो, अच्छा पढ़ाई करके सक्सेस होने के बाद उसका वैल्यू रहता। अब लड़कियाँ बोल के मैं कभी भी डिग्री नहीं हुआ, मैं वो लड़कियों से उनको कुछ अच्छा एजुकेटेड करके एक अच्छा तालीम दिलाया, आज वो लोग अच्छा कॉलेज पे सीटों मिल गया। मैं एक ही बोलता हूँ, अगर लड़के हो रन दो, लड़के रन दो, कभी भी कौन भी रन दो, अच्छा पढ़ाई करके सक्सेस होने के बाद उसका वैल्यू रहता। अब लड़कियाँ बोल के मैं कभी भी डिग्री नहीं हुआ, मैं वो लड़कियों से उनको कुछ अच्छा एजुकेटेड करके एक अच्छा तालीम दिलाया, आज वो लोग अच्छा कॉलेज पे सीटों मिल गया, फ्यूचर में भी ये लोग अच्छा का ये कर देते हैं। वहाँ के हम मेरे लड़कों का कभी भी ये भी नहीं आ रहे मेरे को। आज मेरे बच्चों बेटियाँ मेरे को ला मेरे बेटों बेटों के साथ बच्चों ऐसे वालों से भी ज़्यादा नाम लेके आए मेरे को। मैं यही मांगता हूँ सबको। मैं कोत्तकापु शिवानी हूँ और मेरे पेरेंट्स के वेणुगोपाल रेड्डी और विजय लक्ष्मी हैं। हम जहीराबाद के गढ़ी में रहने वाली हूँ। तो मेरी एजुकेशन तो स्टार्टिंग इनिशियली इधर मैं जहीराबाद के एक स्कूल में ही एडमिशन हुआ, लेकिन इधर आज लाइक आई डोंट नो ब्रेल एंड एनीथिंग, मैं इधर कोपअप नहीं हो सकी। तो उसके बाद हैदराबाद में एक ब्लाइंड स्कूल है विच इज़ देवनाथ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, तो उधर मेरा एडमिशन करवा दिए मेरे पेरेंट्स ने। उधर जाने के बाद फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक उधर ही की मेरी पढ़ाई पूरा। तो उधर मैं ब्रेल के साथ अदर टेक्नोलॉजी भी सीखी, लाइक यूजिंग कंप्यूटर्स विथ एनवीडिया एंड जॉस सॉफ्टवेयर। तो मैं 10th क्लास खत्म करने के बाद मेरे को फिर से एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं रेगुलर स्टूडेंट से भी कम्पीट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैं अगेन इधर जहीराबाद में आके मास्टर माइंड जूनियर कॉलेज में एडमिशन की। कॉमर्स स्ट्रीम में मेरा इंटरमीडिएट हुआ 2 साल का, तो मैं टॉपर ऑफ द बैच थे आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो मेरा इंटरमीडिएट कम्प्लीट होने के बाद मैं चेन्नई गए थे मेरे ग्रेजुएशन के लिए। उधर सत्यभामा यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, BBA कोर्स था। तो ग्रेजुएशन में HR मार्केटिंग फिनेंस वो सब सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकते थे वो सब्जेक्ट्स। तो उसी इंटरेस्ट से मेरे को MBA करने का इंटरेस्ट आया। तो ये सब्जेक्ट्स BBA में तो हम बेसिक्स ही सीख लेते, लेकिन अच्छे से सीखना इन डेप्थ बोले तो MBA करना, तो वो था एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। तो वही इंटरेस्ट से मैं MBA करने का डिसीशन लिया और चेन्नई बेस्ड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है मॉकैट बोल के, वो लोग MBA एग्जाम्स लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कोचिंग देते। तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके मैं 6 मंथ का कोचिंग लिया था कैट एंट्रेंस के लिए। तो 2023 नवंबर में मेरा कैट एग्ज़ाम हुआ रिटर्न टेस्ट, तो दिसंबर में रिजल्ट्स आया था। आउट ऑफ 21 IIMs 19 IIMs में मेरा सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट का कट ऑफ क्लियर हुआ। तो फिर जनवरी फरवरी और मार्च में पूरा इंटरव्यूज चला और इंटरव्यूज़ के बाद मेरा 16 कॉलेजेस में फाइनल एडमिशन का लेटर आया था। तो उन सब कॉलेजेस में मैं IIM इंदौर सेलेक्ट की MBA करने के लिए। तो अब मैं IIM इंदौर में मेरा MBA करने के लिए जा रही हूँ। एंड MBA करने के बाद मेरे को अच्छे से पूरा स्किल्स मेरे में इनकलकेट करके कंपनीज के साथ काम करने का बहुत इंटरेस्ट है। तो इन द शॉर्ट टर्म पहले मेरे को कंपनी में डिफरेंट डोमाइंस में एक्सप्लोर करना है एंड वो सब करने के बाद मेरा स्किल्स पूरा एक्सेल करके एक डोमाइन में मैनेजरियल रोल तक रीच होना ही मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। और कंपनीज में तो इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी लाना वो तो एक मेरा अगेन वन ऑफ माय अदर इंटरेस्ट। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद द कंपनीज ऑफ दैट सॉर्ट। तो मैं तो बाय बर्थ से ही 100% विजुअली चैलेंज हूँ। सो द स्टूडेंट्स हु आर परसिविंग इन द सेम और एनी अदर वे, जस्ट वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज समय का अच्छा सा पालन करना है। वी हैव टू कम्प्लीटली मेक यूज ऑफ द टाइम।